हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज बघेल, इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट, करियर कोच। आइए कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि समर का टाइम चल रहा है, एग्जाम्स भी खत्म हो जाते हैं इस समय तक, और हम सारे लोग कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करते हैं जिसमें एक क्लास होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, यानी स्पोकन क्लासेस। हम लोग आसपास स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बट इस समय लॉकडाउन के टाइम में हम लोग अपने घरों में ही कैद हैं, तो हमारा टाइम भी यूं ही जा रहा है और हम लोग कुछ सीख भी नहीं पा रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग एक नया कोर्स डिजाइन करते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल। लोगों के साथ हम लोग जब बातचीत करते हैं तो इंग्लिश में बातचीत कैसे कर सकते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बात के लिए कि मैं एक कोर्स ऐसा लॉन्च करने जा रहा हूँ जहाँ आप घर बैठे इंग्लिश को सीख सकते हैं। हर एज, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति मुझसे जुड़ करके इंग्लिश भाषा को सीख सकता है, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश भाषा कितनी ही इंपॉर्टेंट है और हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। आज के डेट में हम जितने भी डिपार्टमेंट से जाते हैं, अगर कहीं एप्लीकेशन लिखना है या एप्लीकेशन फॉर्म साइन करना है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमें दिक्कत है तो भी वहाँ एप्लीकेशन देना है तो वो भी इंग्लिश में ही देना है। तो इतनी सारी चीज़ों में जब इंग्लिश की जरूरत पड़ती है तो क्यों ना आज हम क्लास की जगह अपने घर में ही बैठ के, जहाँ हमें किसी भी तरह का फेयर नहीं है, जहाँ हमें किसी तरह का डर नहीं है कि यार क्लास में छोटे स्टूडेंट्स आ रहे हैं या क्लास में बड़े स्टूडेंट्स हैं, मेरी एज का तो कोई व्यक्ति नहीं है, या मैं इस एज पे इंग्लिश सीखूं तो सीखूं कैसे। सो डोंट वरी, आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपकी मदद करूंगा इंग्लिश सीखने में। जैसे कि मेरा नाम मनोज बघेल है और मैं पिछले काफ़ी सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो वैसे ज़्यादातर लोग मेरे बारे में जानते हैं, बट मुझे लगभग 8 साल का हो गए हैं। आपको इंग्लिश हम कैसे सीख सकते हैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं पर डे एक वीडियो अलग अलग टॉपिक पे दूंगा, उसे आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ उसे डेली लैंग्वेज में यूज़ करना है। जैसे ही हम डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हम इंग्लिश सीख सकते हैं, राइट। तो ये जो चैलेंज मैंने लिया है ये लॉकडाउन वाले पीरियड में, ये चैलेंज सिर्फ आप लोग लिया है जिससे कि आप लोग घर बैठ करके इंग्लिश को सीख सकते हैं, बट एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आपको वाकई में इंग्लिश सीखना है तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ पाए और उसे अपनी लैंग्वेज में, अपनी लाइफ में कैसे शामिल करना है इसे भी आप सीख पाएंगे। तो मेरे वीडियो के लिए किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति इसे सीख सकता है, किसी भी क्वालिफिकेशन के साथ सीख सकता है, राइट। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या। इंग्लिश में बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, स्पोकन की, यानी जब हमें बातचीत करनी है, लोगों से बोलचाल करनी है, तो बोलचाल के सेंस में हमें इंग्लिश का यूज आना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप किसी क्लास में जाकर के बैठे हैं, या आपने कोई पर्टिकुलर डिग्री ली हुई है, आपने कोई मास्टर किया हुआ या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है जैसे कि हिंदी भी एक भाषा है। अब मुझे बताइए, जो लोग स्कूल कभी नहीं गए क्या वो हिंदी भाषा बोल पाते हैं? यस, ऑब्वियसली बोल पाते हैं। क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि हिंदी एक भाषा है और जितनी भाषा को हमने सुना है, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग जानते हैं कि एक छोटा बच्चा जिस परिवार में वो पैदा हुआ है, उस परिवार में वो पला बड़ा है, और 3 साल तक उसका एडमिशन भी नहीं हुआ स्कूल में, लेकिन जिस परिवार का बैकग्राउंड जिस भाषा का है, यानी मान लीजिए बच्चा अगर किसी मलयालम फैमिली में हुआ है तो मलयालम भाषा को बोल रहा होगा, हिंदी फैमिली में हुआ है तो हिंदी भाषा को बोल रहा होगा, इंग्लिश फैमिली में हुआ तो इंग्लिश भाषा को बोल रहा होगा। दैट मीन्स वो बच्चा अभी तक स्कूल नहीं गया, किसी ने उसे भाषा के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो अपनी कल्चर की, अपनी भाषा को आसानी से बोल रहा होगा, जबकि उसका ब्रेन का भी विकास भी नहीं हुआ उसके बावजूद भी। दैट मीन्स इंग्लिश भाषा बहुत आसान है, राइट। तो इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ ये क्या है, तो आप बोलेंगे हेयर या बाल, राइट। ये क्या है, मूछ। ये क्या है, दाढ़ी। ये क्या है, हेडफोन। ये क्या है, टी शर्ट, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, रिंग। इसी तरह से ये क्या है, पर्दा, है ना। तो हमारे दिमाग में जैसे ही हम बोलते हैं ये क्या है, तो जैसे ही जो वर्ड दिमाग में आता है तो हम लोग तुरंत बोल देते हैं कि ये है। जैसे हमने पर्दा बोला, हमने कर्टेन क्यों नहीं बोला? कर्टेन इसलिए नहीं बोला क्योंकि सराउंडिंग में ना तो हम कर्टेन बोलते हैं और ना ही कर्टेन सुनते हैं। तो भाषा का मतलब क्या है, जितना हम सुनेंगे उतनी ही अच्छी बोल पाएंगे। यानी कि भाषा को सीखने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए हमें सुनना बहुत जरूरी है, और जितना ज्यादा हम सुनते हैं उतना ही अच्छा है बोल सकते हैं, राइट। तो पर्दा हमने सुना है, इसीलिए हमारे दिमाग से तुरंत क्या निकला, पर्दा। अब सोचिए, कुछ टाइम पहले हमारे स्टूडेंट्स या हम लोग भी सॉरी नहीं बोलते थे, थैंक यू नहीं बोलते थे, लेकिन आज कभी भी छोटी सी गलती हुई तो तुरंत सॉरी निकलता है। माफ करना क्यों नहीं निकलता, जरा सोच के देखिए।
शायद इसलिए नहीं निकलता क्योंकि आज वो हमारी भाषा में शामिल नहीं है, उसका यूज हम करते नहीं है और सराउंडिंग में भी उसका यूज नहीं सुनते। हम लोग थैंक यू बोलते हैं, हम लोग सॉरी बोलते हैं, राइट। तो इंग्लिश भी वैसे ही उतनी ही आसान भाषा है, जिस शब्द का यूज हम एक बार कर लेंगे उसे बार बार करेंगे तो हमारी भाषा में शामिल हो जाता है। तो इंग्लिश इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, दैट मीन्स सीधा सा है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीख जाएंगे, राइट। तो मैं आज की क्लास में शुरुआत करता हूँ एक छोटे से टॉपिक की, राइट, जिससे कि आज आप कुछ नया सीख पाएंगे और अगली क्लास में फिर हम रेगुलर रूटीन में अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, राइट। एंड उससे पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आने वाले हर वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो टाइमली मिलेगा और आप उसे समझ पाएंगे, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है। तो भाषा को सीखने के लिए मैं आज कुछ बेसिक सेंटेंसेस से शुरुआत करता हूँ। मान लीजिए मैं एक रिक्शे वाला हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, राइट, मैं कभी स्कूल भी नहीं गया, राइट। तो मेरे रिक्शे में कोई व्यक्ति बैठा है, राइट, जिसके पास में एक माचिस है, ठीक है ना, और मैं अब रिक्शा चला रहा हूँ, मुझे बीड़ी पीनी है या मुझे सिगरेट पीनी है, राइट। तो अगर मैं रिक्शा वाला हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया, मुझे उससे यानी कि अपने सवारी से, अपने पैसेंजर से क्या मांगना है? एक माचिस मांगना है। तो मैं कैसे मांग सकता हूँ, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, राइट। तो बड़ा आसान तरीका है, जब भी किसी चीज के बारे में आपको मांगना है, कोई चीज आपको दूसरे व्यक्ति से चाहिए, तो सिंपल वो वर्ड लगाइए और प्लीज लास्ट में लगा दीजिए। जैसे मैच बॉक्स प्लीज, आपने क्या मांगा? माचिस मांगा, तो माचिस की इंग्लिश में क्या होता है? मैच बॉक्स प्लीज। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आप मेरे बगल में खड़े हुए हैं, मैं स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ, जब मैं स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे बगल में खड़े हुए, मैं सिंपल आपसे आपका नाम जानना चाहता हूँ, तो योर नेम प्लीज। मैं एक फॉर्म फिल कर रहा हूँ, आप मेरे पास आए कि सर मेरा फॉर्म फिल कर दीजिए, है ना, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, योर नेम प्लीज, आपका नाम बता दीजिए, योर डेट ऑफ बर्थ प्लीज, योर एड्रेस प्लीज, योर कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज, योर लास्ट क्वालिफिकेशन प्लीज, राइट। तो जब भी आप आस पास में मुझे कोई चीज मांगनी है जो सामने बैठे हुए व्यक्ति के पास में है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही क्यों नहीं है, तो हमें वो वर्ड लगाना है, जो चीज हमें मांगना है प्लीज ऐड कर देना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से उस वर्ड को जान सकते हैं। योर नेम प्लीज, योर वेट प्लीज, योर हाइट प्लीज, योर कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज, योर पैन प्लीज, या योर भी ना लगाएं तो भी चलेगा, पैन प्लीज। जैसे मैं रेलवे स्टेशन काउंटर पे खड़ा हूँ और मेरे पास पेन नहीं है, मुझे सिर्फ साइन करने हैं, तो मैंने बगल वाले से बोल दिया पेन प्लीज, तो उन्होंने मुझे पेन दे दिया, राइट। तो जब भी कोई चीज हमें मांगनी है, चाहे हम घर में जहां भी बैठे हो, अभी से प्रैक्टिस कीजिए, घर में बैठ करके अपने घर में जितने भी लोग हैं किसी से कुछ भी मांगिए, रिमोट प्लीज, पेन प्लीज, मोबाइल प्लीज, है ना, तो वाटर प्लीज, वाटर बॉटल प्लीज, तो इस तरह से हम चीजों को मांग सकते हो। देखिए कितना आसान है, जो भी चीज मांगनी है सिंपल प्लीज लगाइए और हम वो चीज को आसानी से मांग सकते हैं। तो इसी तरह के बहुत छोटे छोटे और बहुत ही आसान वीडियोस के साथ में मैं आपको इंग्लिश सिखाने का जिम्मा उठाता हूँ, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। मेरा कहना यही है, मेरे वीडियो से जुड़े रहिए एंड लास्ट तक वीडियो देखिए, जिससे कि आप सीख पाएंगे। एंड एक नोटबुक जरूर बनाइएगा जिसमें जो स्ट्रक्चर मैं दूंगा उस स्ट्रक्चर पे आपको प्रैक्टिस करना है, रिटन फॉर्म में भी प्रैक्टिस करना है एंड ओरल भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमें इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, रिटन के अलावा बोलने की, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल, जिसमें मैं आपको आगे हमें भाषा को कैसे सीखना है, कितनी आसानी से सीखना है, वो सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मुझसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।